हेलो गाइस, सो फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रैंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रैंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा मोशन इफेक्ट, 3D मोशन इफेक्ट स्टेटस वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स इसी एडिटिंग में मैंने जो भी टूल्स यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद हम चलेंगे फोन के स्क्रीन पे, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए और फ्रेंड्स यहाँ पे 916 का एसयू सेलेक्ट कर लीजिएगा। 916 का एसयू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली टैप कर देना। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद वो वाली बैकग्राउंड इमेज आपको ले लेनी है, मून वाली इमेज जो है उसे आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो चलिए मैं चलता हूँ डाउनलोड में, वहाँ से वाली इमेज को हम ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली इमेज जिसे मैंने यहाँ पे ले लिया। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे फुल स्क्रीन करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन डबल लेयर्स का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक ही पे सेलेक्ट कराने दीजिएगा और इसे इस तरह से जूम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फुल स्क्रीन में जूम कर लेना है इस तरह से, देख सकते हैं। और एक साइड में रखिएगा, मतलब यहाँ पर देख सकते एक साइड में इसे रखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स इसे भी इस तरह से जूम कर लेंगे और दूसरी साइड वाले कॉर्नर से यहाँ पर रखेंगे इस साइड से, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये हो गया, आप राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसे जूम कर लीजिए, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें इफेक्ट लग चुका है, ऑटोमेटिक रोटेट करेगा, देख सकते हैं इस साइड से इस साइड, ये ऑटोमेटिक जा रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप अगर और चाहे इसे जूम करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसे इतना पे रहने देता हूँ, ठीक है। या थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं, चलिए इसे इतना पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मून बहुत नीचे था तो मून को थोड़ा ऊपर रखते हैं और इस साइड में भी इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं इतना पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों साइड मून थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब मून ऊपर चला गया, इसके बाद यहाँ पे हमें वेदर वाला बादल वाला जो PNG है उसे लगाना है। तो लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे PNG जो बादल वाला आपको मिला था उसे क्लाउड वाला, तो उसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्लाउड वाला तो एक ही ढो लीजिएगा, इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे इस साइड से इस साइड पूरी तरह से यहाँ पे लेंथ को इसको कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इसके बराबर में इस तरह से इस साइड में रख लीजिएगा। रखने के बाद फ्रेंड्स डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर सेलेक्ट कीजिएगा। अब इसके लास्ट में आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से यहाँ पे हल्का सा इस तरह से रोटेट करके इस साइड में पूरी तरह से कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स देखेंगे जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से इस साइड से मून जा रहा है और इस साइड से क्लाउड आ रहा है, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद आपको PNG टेरिस पे जो बॉर्डर लगा हुआ होता है, मतलब घेरा हुआ जो होता है टेरिस को, तो उसका PNG मैंने आपको दिया है तो उसे आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड में चलेंगे सिंपली। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि डाउनलोड पर जब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा टाइम ले लेता है लोड होने में, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लेंथ को भी आपको पूरा लास्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये टेरिस पे जो घेरा हुआ रहता है तो वो वाला, तो इसे जूम कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मून इस साइड जा रहा है तो ये भी PNG इस साइड ही जाना चाहिए या दूसरी साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे मैं इसी साइड में कर देता हूँ, जिस साइड में मून जा रहा है उसी साइड में इसे भी जाने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रखेंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन आ रहा है इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके लास्ट में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे फिर से एक तो की लगा दीजिएगा और की लगाने के बाद इसे स्क्रॉल करके इस साइड में लास्ट तक एकदम से इस तरह से कर लेना है। अब राइट क्लिक करना है तो फ्रेंड्स अभी आप इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इतना सही हो गया। इसके बाद लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक PNG आपको यूज़ करना है, तो आपने जो भी PNG आपने कन्वर्ट करा होगा तो उसे ले लीजिए। तो चलिए मैं इस वाले को ले लेता हूँ। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से इसे थोड़ा सा जूम करेंगे और इसे यहाँ पे इतना पे हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसे रख लेते हैं इस तरह से इस साइड में और फ्रेंड्स इसे पूरी तरह से इस साइड जाने देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके लेंथ को पूरा लास्ट कर लेंगे और टेरिस का जो ये वाला लाइन देख सकते हैं तो ये भी इस साइड में जा रहा है, मतलब जब यहाँ से ये चलेगा तो देख सकते हैं इस साइड में उल्टा साइड में, तो हमारा जो PNG है उसे दूसरी साइड से हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर की का जो ऑप्शन देख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस साइड में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से की पे क्लिक कर लीजिएगा,
सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ की पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा बीच में आने के बाद मतलब इतना पे आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेंगे और इसे स्क्रॉल करके इस साइड से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इतना पे ही रखेंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब ये प्ले होगा तो धीरे से निकल कर इस साइड से हमारा PNG जो है सो आएगा और बीच में आते आते बीच में रुक जाएगा, इसके बाद पूरा वीडियो इसी पे चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेयर्स पे फिर से क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। सो गाइस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने व्हाइट पार्टिकल पे बॉर्ड का इमेज फ्लाई बॉर्ड फ्लाई वाला ये वाला देख सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड पे बॉर्ड फ्लाई वाला, तो इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे स्टार्टिंग से कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से करने के बाद आपको देख लेना कि कितना टाइम का रह रहा है, तो यहाँ 29 सेकेंड है तो अभी के लिए सही है, इसे इतना पर रहने दे। अब इसे यहाँ पे इस तरह से जूम करना है, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा इस तरह से और फ्रेंड्स नीचे दबा स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग में जाए, ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा। तो अब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बॉर्ड उड़ता हुआ दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फ्लाई करता हुआ दिख रहा है, इस तरह से आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में आने के बाद फिर से आपको लेयर्स पर क्लिक कर लेना, लेयर्स पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक कीजिए, फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एक तो टेक्स्ट लैडकल्स वाला सॉन्ग दिया है तो इसे आप ले लीजिएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला, और फ्रेंड्स इसे आपको नीचे जाकर ब्लेंडिंग में स्क्रीन कर देना है तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा और इसे आगे तक कर लीजिए। अब इसे आपको देख लेना है कि कहाँ पर रखना चाहते, तो मैं इसे यहाँ पर ऊपर रखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रखने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कहाँ पे रखेंगे और इसे लास्ट तक लेकर आ जाइएगा। इसी के बराबर में ऊपर वाले बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा, ट्रिमर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से टर्म टू राइट ऑफ फ्लाइट कर दीजिएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इस तरह से ही आएगा। अगर आप चाहे तो इसे और भी जूम कर सकते हैं, छोटा है तो थोड़ा सा इसे जूम कर देंगे और इसे जहाँ पे भी आप रखना चाहे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, सिंपली इसे एक्सपर्ट करना, एक्सपर्ट करने के लिए इस साइड में कॉर्नर पर एरो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए।